हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992। इससे पहले हम राममूर्ति रिव्यू कमेटी डिस्कस कर चुके हैं, और जिन्होंने इस ऑडियो को नहीं सुना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर इस ऑडियो को सुन सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं, आने वाले 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए राममूर्ति रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1990 में आई थी। इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आती है, वो न्यू कमेटी बनाती है, और वो बनाती है जनार्दन रेड्डी की चेयरमैनशिप में, और इसी के नाम पर ही इसको जनार्दन रेड्डी कमेटी भी कहा जाता है। और इसके जो सजेशन थे, वो सजेशन इस तरह से थे। पहला सजेशन इन्होंने दिया मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। इसमें इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल को सेटअप किया जाए, और जो स्टेट है वो हर स्टेट को प्राइमरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए प्रायोरिटी देनी होगी, और जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस बनाने की इन्होंने बात की। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हमें ज़्यादा प्रमोट करना है, और जो भी रिसोर्सेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, उन्हें उन रिसोर्सेज का प्रयोग प्राइमरी एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए करना है। इसके बाद जो सजेशन दिया, वो दिया इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए इन्होंने। इसमें इन्होंने कहा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स के जो रोल को एक्सपेंड किया जाए, और आंगनवाड़ी जो भी हैं उनको अकॉर्डिंग टू नीड्स इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। ये इन्होंने कहा ECCE के लिए, कि जो कि छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पर इसके लिए भी कहा कि जो पोषण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उनमें गति लाई जाए, उनमें तेज़ी लाई जाए, जिससे कि बच्चों को हेल्दी रहना हम बच्चों को सिखा सकें। उसके बाद था रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन। अब इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या सुझाव दिए, इन्होंने कहा कि ये प्रयास किया जाना चाहिए कि 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही सब बच्चों को स्कूल अवेलेबल हों, और 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, कोई भी बच्चा एनरोलमेंट से छूटना नहीं चाहिए। और जब बच्चा एडमिशन ले लेता है, एनरोल हो जाता है, तो वो बच्चा अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे कंप्लीट करके जाए, मतलब वेस्टेज और स्टैग्नेशन को रिड्यूस करना है, उसे ख़त्म करना है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या को ख़त्म करना है। जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, फॉर्मली स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था करने की बात की गई। अब प्राइमरी के बाद इन्होंने जो सजेशन दिए, वो दिए सेकेंडरी एजुकेशन के रिगार्डिंग, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इनके सुझाव, और जो इन्होंने समीक्षा की 1986 की पॉलिसी की, वो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस सेकेंडरी एजुकेशन को हमें एक्सपेंशन करना है पूरे कंट्री में अपने, और ओपन लर्निंग शुड बी गिवन एनकरेजमेंट, और जो ओपन लर्निंग है, ओपन लर्निंग की एजुकेशन को एक्सपेंड करना है सेकेंडरी स्टेज पर, और जो नवोदय विद्यालय का जो प्लान है उस प्लान को कंटिन्यू रखना है, और हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश करने की बात की इन्होंने। और जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट की बात की, कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो कैपेबल और एबल कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिल सके, और जो वर्किंग सिस्टम है नवोदय विद्यालय का उसको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ये इन्होंने कहा नवोदय विद्यालय के लिए। उसके बाद इन्होंने कॉमन सिस्टम स्कूल की बात की, कि कॉमन सिस्टम स्कूल होना चाहिए, और साथ ही साथ में इसके अचीवमेंट के लिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को भी इंश्योर किया जाना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उससे वोकेशनल एजुकेशन भी उसमें दी जानी चाहिए, जिससे कि जो स्कूल्स हैं वो साथ साथ में प्लस टू पर वोकेशनल एजुकेशन भी दें, जिससे कि बाद में उन्हें किसी भी तरह के व्यवसाय संबंधी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद है रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, एंड द आइडिया ऑफ कोर वोकेशनल कोर्स इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और जो न्यू टेक्निकल कोर्स हैं वो भी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ टाइम एंड के अकॉर्डिंग स्टार्ट किए जाने चाहिए, और जो लो स्टैंडर्ड के टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको बंद कर देना चाहिए, और इसके साथ साथ भी जो न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुलने हैं उनको रिकॉग्निशन देने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए, जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को ही जो है मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बाद जो सजेशन थे, वो सजेशन थे एडल्ट
एजुकेशन के रिगार्डिंग, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में सुझाव। जो कमेटी थी उसने ऑब्जर्व किया कि जो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है वो प्रॉपरली रन नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये सजेशन दिया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे एडल्ट एजुकेशन पर प्रायोरिटी देनी होगी, ज़्यादा ध्यान देना होगा और ज़्यादा फाइनेंस भी अरेंज करना होगा जिससे कि प्रॉपरली एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। और इसके बाद इन्होंने भी कहा कि जो पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम है और कंटिन्यू एजुकेशन है वो भी हमें ऑर्गेनाइज करनी है, ये इन्होंने कहा एडल्ट एजुकेशन के रिगार्डिंग। इसके बाद है रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, उस शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए उसकी बात करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि जो अब इस समय हायर एजुकेशन का लेवल है वो लेवल ठीक नहीं है और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं इसके कि जिससे कि हायर एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दी जा रही है। उसके लिए इन्होंने सुझाव दिए कि जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम को अपडेट करना है, जो ट्रेडिशनल करिकुलम है वो ट्रेडिशनल करिकुलम की जगह हमें न्यू करिकुलम लेके आना है, आज की अकॉर्डिंग टू नीड्स जो है करिकुलम की व्यवस्था करनी है और न्यू कोर्स को भी इंट्रोड्यूस करना है हायर एजुकेशन में और एकेडमिक स्टाफ कॉलेज प्लान को भी इंट्रोड्यूस करना है। और इन्होंने कहा कि जो न्यू इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन दी जा रही है उसके लिए भी प्रिकॉशन बढ़ती जानी चाहिए और जो लो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है उनको बंद कर देना चाहिए और हायर एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस बनाने की बात की कि सेल्फ फाइनेंस बना देना चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की व्यवस्था अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इसलिए हायर एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ फाइनेंस। एंड नेक्स्ट रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के संबंध में सुझाव। यहाँ पर इन्होंने कहा कि टीचर एजुकेशन जो कोर्स है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, प्रैक्टिकल जोड़ा जाए उसमें, और जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं उनको तैयार करने की जिम्मेदारी डाइट की होगी और जो इवेल्युएशन सिस्टम है मूल्यांकन प्रणाली है उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ में जो भी सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग है उसमें भी रिफॉर्म किया जाना चाहिए। इसके बाद है रिव्यू एंड सजेशन रिगार्डिंग लैंग्वेज, भाषा संबंधी सुझाव क्या दिए इन्होंने। इन्होंने कहा थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला को पूरे देश में समान रूप से लागू करना चाहिए और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाना चाहिए, केंद्रीय भाषा संस्थान इसको स्वायत्त शासित दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए और जो भी इंडियन लैंग्वेज हैं इंडियन लैंग्वेज को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, उस शिक्षा स्तर पर भारतीय भाषाओं के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सब सुझाव जनार्दन कमेटी ने दिए थे और ये था आपका पूरा जनार्दन रेडी कमेटी। यदि आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।